नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको आंवले का अचार बनाना सिखा रही हूँ। आंवले का अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आंवला हमारे लिए बहुत हेल्दी भी है। ठंड के दिनों में काफ़ी आंवले आते हैं तो हम अचार बना के रखते हैं साल भर के लिए। तो मैं आपको साल भर टिकने वाला अचार बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो आंवले उबाल लिए थे। ये देखिए, मैंने आधा किलो आंवले उबाल लिए थे और उबालने के बाद मैंने इसको खुले बर्तन में उबाला है तो लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर उबल गए। अच्छे बड़े आंवले थे तो 10 से 15 मिनट लगे। चाहे तो आप प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हो। एक सीटी लगाओगे थोड़े से टाइट से रहेंगे। अगर आपको कड़क से चाहिए, क्रंची चाहिए खाने में, तो आप एक सीटी लगा सकते हो। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसकी फाके अलग कर दिए। अगर आपको थोड़े सॉफ्ट रखने हैं तो आप दो सीटी भी लगा सकते हो। फिर ठंडा होने के बाद में इसको खोल लिया मैंने। फिर इसमें 2 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच मैंने हल्दी डाल के लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया है, जिससे आंवला प्रिजर्व रहता है साल भर तक के लिए, क्योंकि नमक भी एक प्रिजर्वेटिव है और हल्दी एक एंटीबायोटिक है। और नमक का टेस्ट भी बहुत अच्छे से आ जाता है आंवले में, ये देखिए। और इसमें ये पानी भी आप देख सकते हो कि इसमें ये पानी आ जाता है। मैं आपको हिला के दिखाती हूँ, ये देखिए। ये देखिए, जितना मॉइस्चर है इसमें वो भी निकल जाता है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो अब मैं इसको एक छन्नी में डालूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए, एक छन्नी ली है मैंने और ये एक बर्तन, और इसमें ये डाल दिया है मैंने। ये छन्नी को रख दिया और ये आंवले में डाल दूंगी। और छन्नी में डालने के बाद लगभग 1 से 2 घंटा, ये जब तक इसका पानी निकलेगा, मैं इसी में रहने दूंगी। उसके बाद 4 से 5 घंटा इसे धूप में दिखा दूंगी ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। आप धूप में नहीं रखना चाहते हो तो घर के अंदर भी सुखा सकते हो, किसी कपड़े पे या थाली पे या प्लास्टिक पे रख के इसे धूप में सुखा सकते हैं, क्योंकि ठंड की धूप हल्की होती है जिससे आंवले कड़क नहीं होते, इसका मॉइस्चर सूख जाता है। अगर वही अगर हम गर्मी के दिनों में सुखाएंगे तो बहुत कड़क हो जाएंगे। तो हमें बस 4-5 घंटे की धूप दिखानी है। ये देखिए, मैंने इसको छन्नी में रखा है और देखिए पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसी तरह इसको 1 से 2 घंटे के लिए रहने दूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके बाद मैं इसको धूप में रखूंगी ताकि अच्छे से इसका मॉइस्चर निकल जाए। चाहे तो आप घर पे भी सुखा सकते हो अच्छे से फैला के, किसी कपड़े पे, पॉलीथीन पे या थाली पर, ताकि पूरी तरह से इसका मॉइस्चर निकल जाए। उसके बाद मैं इसका अचार बनाऊंगी और मैंने क्या क्या मसाले यूज़ किए, किस तरह से अचार बनाए, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए, मैंने आंवले को हल्दी नमक लगा के रखने के बाद में पानी निकाल दिया। उसके बाद में इसे धूप में रखा था लगभग 4 से 5 घंटा। ये देख सकते हो आप, पूरी तरह से ड्राई हो गए। ठंड की धूप में ये कड़क नहीं होते, सॉफ्ट हो जाते हैं, ऊपर का मॉइस्चर सूख जाता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी तो हम शुरू करते हैं अचार बनाना। तो अचार बनाने के लिए जो मैंने मसाले लिए हुए वो पहले बता देती हूँ आपको। लगभग 1 छोटी कटोरी, ये 50 ग्राम के करीब मैंने ये राई ली हुई है, आप पीली सरसों भी ले सकते हो। 1 छोटी कटोरी है 2 से 3 चम्मच मैंने साबुत धनिया, ये अच्छे से भून लिया है मैंने कम आँच पे। फिर ये अभी ठंडा है, इसको हम दरदरा पीसेंगे। और मैंने सौंफ लिए बराबर मात्रा में, सौंफ में आप ज़्यादा भी ले सकते हो, सौंफ से अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जीरा लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच, इसको भी भून लिया है, ये भी सब ठंडे हैं। और मिर्च मैं 2 चम्मच लिए हैं, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। नमक मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, अभी मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि मैं काला नमक भी यूज़ कर रही हूँ, जिससे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच मैंने कलौंजी, मंगरेला, इसे अनियन सीड भी कहा जाता है, इसे करायल भी कहा जाता है, ये लिया हुआ, इसे भी भून लिया है मैंने। आप इसे साबुत भी डाल सकते हो या पीस भी सकते हो। और 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया हुआ, इसे भी भून लिया है। अचार का टेस्ट मेथी से बहुत ही अच्छा आता है, अगर आप इसे डालना नहीं चाहते इसे अवॉइड कर सकते हो। और 1 बड़ा चम्मच मैंने अजवाइन ली हुई है, अजवाइन थोड़ा मैं साबुत डालूंगी, थोड़ी मैं इसमें पीस लूंगी मसाले के साथ में, इसे भी मैंने भून के रखा हुआ है। सभी मसाले हम भून लेते हैं क्योंकि इसमें से नमी हटानी होती है, क्योंकि अचार साल भर के लिए रखा जाता है। तो और ये मैंने लगभग 250 ml सरसों का तेल लिया हुआ है, जिसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, अब ये पूरी तरह से ठंडा है। तो शुरू करते हैं अचार बनाना। सबसे पहले हम मसाले पीसने हैं दरदरे।
इसके लिए मिक्सर जार ले लूँगी। इसमें मैं ये राई डाल दूँगी, आप पीली सरसों भी ले सकते हो। साबुत धनिया डाल दूँगी और सौंफ डाल दूँगी, थोड़ी सौंफ में साबुत डाल रही हूँ। जीरा डाल दूँगी और मेथी दाना, थोड़ी सी अजवाइन साबुत डालूंगी मैं, तो वो रख लेती हूँ। अब मैं इसे दरदरा पीस लेती हूँ। ये देखिए मसालों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है और आंवलों को एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं ये मसाले इसमें डालूंगी। और अब मैं इसमें सौंफ डालूंगी, साबुत सौंफ बहुत ही अच्छी लगती है। अजवाइन डाल दूंगी और ये कलौंजी डाल दूंगी, मिर्च पाउडर डाल दूंगी और इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ। और सफ़ेद नमक मैंने पहले थोड़ा डाला हुआ तो अब मैं हल्का सा ही डालूंगी बस, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। तेल डाल के अच्छे से मिक्स करती हूँ। सरसों का तेल मैंने डाल दिया, अब अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी अचार के मसालों की। ये मसाले भूनते हैं और उसमें ही सरसों का तेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। आप इसे अभी भी खा सकते हो, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद ये अचार और भी टेस्टी लगता है। देखिए आंवले में मैंने सभी मसाले सरसों का तेल अच्छे से मिक्स कर दिया है, अचार की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं जिस जार में रखूँगी, ये देखिए मैंने कांच का जार लिया हुआ जिसे अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अचार हमें साल भर के लिए रखना होता है। तो अब मैं ये अचार इस जार में डाल दूँगी। इसमें मैं कोई और प्रिजर्वेटिव सिरका या यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें बस तेल डालूंगी। सरसों का तेल जहाँ तक भरेगा अचार उसके ऊपर तक तेल होना चाहिए, लगभग 1 से 1.5 इंच के ऊपर, तो ये अचार साल भर तक टिक जाता है आराम से। देखिए आंवले का अचार तैयार हो गया और इसको मैंने जार में डाल दिया है। और ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लोग आम का, नींबू का अचार किसी कारणवश नहीं खा पाते, उनके लिए आंवले का अचार एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आंवला बहुत ही हेल्दी होता है। और कुछ चटपटा खाने का मन हो तो ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है और ये अचार साल भर तक आराम से चलता है। और जिस जार में मैंने रखा हुआ अचार, बस उसके ऊपर तक तेल होना चाहिए। अगर आपको 2 से 3 दिन में ये थोड़ा सा दबेंगे, ये आंवले नरम होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो तेल ऊपर तक आ जाए तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल सकते हो। तो आप भी मेरे इस आंवला के अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।